नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी के दोहरे इंजन से एक भी भारतीय नहीं बचा। बिहार, जेडीयू ने भ्रष्टाचार के मामले में आरसीपी सिंह को दिया नोटिस। चीन से टेंशन के बीच ताइवान के मिसाइल डेवलपमेंट ऑफिसर की लाश मिली। यूपी, 12 आईएएस अफसरों का तबादला, विवेक कुमार को विशेष सचिव गृह बनाया। उपराष्ट्रपति चुनाव, वोटिंग से दूर रहेंगी टीएमसी, वोट मत करना, शशिर अधिकारी को सुदीप का पत्र। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने किया तलब, आज दर्ज हो गए बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, पीएम मोदी ने डाला वोट। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित। देश भर में कोरोना के 19,406 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट 4.96% हुई। जम्मू कश्मीर, उधमपुर में खाई में गिरी बस, हादसे में 8 घायल। केसरी पगड़ी पहनकर 750 बाइक राइडर्स ने निकाली तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की तीसरी बैठक आज, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के निकोपोल और निप्रापेट्रोस पर फिर बरसाए बम। राजस्थान में जानवरों के लिए मुसीबत बना लंपी रोग, सीएम बोले जल काबू पाने की कोशिश। बिहार, छपरा शराब कांड में एसएचओ और चौकीदारी निलंबित, 94 लोग हिरासत में लिए। नेपाल में हिली धरती, 5.3 तीव्रता का आया भूकंप। नोएडा, महिला के साथ बदतमीजी करने पर बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आज से अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, तीसरी गारंटी की कर सकते हैं घोषणा। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री आज बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। सांसद अतुल राय के रेप केस में वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अमृत महोत्सव पर मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज सांसद में होगी वोटिंग, शाम तक आएंगे नतीजे। आज दिल्ली आएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीडब्ल्यूजी 2022 दिव्या काकरा ने 68 केजी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुंबई, पात्रा चौल घोटाला में संजय राउत की पत्नी वर्षा से ईडी की पूछताछ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हॉकी इन सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम से सेमीफाइनल में, बेईमानी सहवाग ने भी जताया गुस्सा। सुसन ने असलान वेडिंग, दूसरी शादी करने जा रही ऋतिक रोशन की पत्नी, इस अभिनेता के साथ जोड़ रही रिश्ता। सीडब्ल्यूजी 2022 इंडिया महिला टीम वर्सेस इंग्लैंड महिला टीम सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला, इंग्लैंड से जीतने पर टीम इंडिया रचेगी इतिहास। करनाल एक्सप्रेस के अंदर आई डिविलियर्स की आत्मा, खेला चौंकाने वाला शॉट, जिसने भी देखा सिर पकड़ लिया। पोलार्ड के घर जाकर फैमिली पिक में शामिल हुए हार्दिक, तो लोगों ने कहा एक ही परिवार के लगते हो। माता के जगरण में शख्स का डांस देख जस्टिन बीबर भी हुए दीवाने, लोग बोले ये केवल भारत में हो सकता है। गोल्डन लहंगे में शमिता शेट्टी के गॉर्जियस लुक को देख फैंस हुए हैरान, बोले तारीफ कम पड़ रही है आपके लुक के सामने। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।